साइज़ वन साइज़ टू साइज़ थ्री साइज़ फोर साइज़ फाइव साइज़ फोर पॉइंट फाइव इतने सारे साइजेस आते हैं फुटबॉल के अंदर पर इसमें से अपने लिए सबसे बेस्ट साइज़ कौन सा है यू गाइस एस एन सी भाई यहाँ पे साइज़ वन फुटबॉल है साइज थ्री है साइज़ फ़ोर है एंड साइज़ फाइव फुटबॉल है भाई लेकिन इसमें से करेक्ट साइज़ अपने लिए कौन सा है क्यों इतने साइजेस आते हैं फुटबॉल के अंदर ऐसी क्या ज़रूरत है हम तो जब गेम देखते हैं फुटबॉल का तब तो उसमें यार साइज़ फाइव फुटबॉल ही होती है तो ये सारे फुटबॉल बनाने की जरूरत क्या है क्यों इतनी छोटी फुटबॉल कोई भी ब्रांड बनाना चाहेगा या क्यों साइज़ थ्री फुटबॉल बनती है ये सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ डू यू चूज़ द राइट साइज फॉर योर फुटबॉल जब भी, भी आप लेने जाओगे या कभी भी कुछ भी हो अपने नॉलेज के लिए भी अगर वीडियो देख रहे हो तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ लाइक एड सब्सक्राइब प्लीज कर देना आई गारंटी यू दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एडुकेटिवीडियो नॉलेज साइज फाइव फुटबॉल जो है ना वो होती है ऑफिशियल फीफा फुटबॉल फीफा के जो रूल बुक होती ना उसके अंदर जो ऑफिशियल साइज है वो ये वाला है दिस इज़ द साइज फाइव फुटबॉल दिस इज़ हाउ अ साइज फाइव फुटबॉल लुक्स हम भी जो रिव्यूज करते हैं वो मोस्टली साइज फाइव फुटबॉल्स ये करते हैं एंड मोस्टली 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 साइज फाइव फुटबॉल्स ही आपको मार्केट में मिलती है लेकिन जब साइज फाइव ही अल्टीमेटम है तो साइज फो साइज थ्री साइज वन फुटबॉल की क्या जरूरत है तो दो मिनट के लिए हम साइज़ फाइव फुटबॉल को ऐसा बाहर कर देते हैं अब है हमारे पास साइज फो साइज थ्री साइज़ वन साइज टू फुटबॉल भी आती है साइज फोर पॉइंट फाइव भी आती है अब साइज फोर पॉइंट फाइव जो है ना काफ़ी कंट्रीज़ में बैंड वी आर नॉट गोइंग टू गो इन दैट वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ हो जाती है ठीक है हम एकदम लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे अब क्या है ना इसके अंदर आ जाता है थोड़ा सा एज ब्रैकेट वाला सीन ठीक है जो फुटबॉल कंपनीज टेक्निकली बनाती हैं ठीक है ठीके? अब साइज़ वन फुटबॉल जो है ना कहते हैं कि भाई टॉडलर्स को दे दिया करो जो चार पाँच साल के बच्चे होते हैं कि उनके पैर भी बहुत छोटे होते हैं और उनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं होती सो दे कैन प्ले विद दिस फुटबॉल बट ऑल्सो साइज़ वन फुटबॉल कमर्शली भी बेचा जाता है वो ऐसे उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ अब जैसे फीफा वर्ल्ड कप था ट्वेंटी तो उसमें साइज़ वन फुटबॉल आपको अल रही में भी मिल रही थी और अल हलीम में भी मिल रही थी पीपल लाइक टू बाई दोज फुटबॉल एंड कीप इट एज अ फैन प्रेजेंट और अ रिवॉर्ड यू कैन से जो कि उन्हें याद दिलाता है उस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप की या उस पर्टिकुलर मोमेंट की कि भाई किसी ने हमें एक साइज़ ऑन फुटबॉल लुक एट द साइज ऑफ दिस फुटबॉल इट इज़ सो टाइनी हाउ डू यू इवन प्ले विथ इट बट ओनली टॉडलर्स कैन सा मतलब चार पाँच साल के बच्चे ही खेल सकते हैं एंड कमर्शली यही होता है भाई कि पीपल लाइक टू हैव इट एज समथिंग दैट फैन रियली बॉन्ट मतलब उनको फुटबॉल नहीं चाहिए बड़ी वाली लेकिन उनको एक छोटा सा वर्जन चाहिए जिनसे एक फील आ जाए कि उनका कनेक्शन है उस वर्ल्ड कप के साथ या उनका कनेक्शन है किस पर्टिकुलर लीग के साथ ठीक है अब चलते हैं हम साइज थ्री फुटबॉल की तरफ अब साइज थ्री फुटबॉल जो है ना ये यूज़ करते हैं मोस्टली बच्चे जो कि सात से लेकर नौ साल के बीच में होते हैं ठीक है सेवन ईयर्स एट ईयर्स नाइन ईयर्स अब सात से नौ साल के बच्चे इसलिए साइज़ थ्री फुटबॉल यूज़ करते हैं क्योंकि भाई पैर छोटे होते हैं लॉफ्ट करने की इतनी ताकत नहीं होती एंड दे आर एक्चुअली नाउ गेटिंग इनटू फुटबॉल दे आर ट्राइंग टू नो कि एक राउंड ऑब्जेक्ट को आप पैरों से कैसे मूवमेंट से कंट्रोल करते हो सी द साइज़ ऑफ द साइज थ्री फोटो देखो यहाँ पे कितना छोटा सा है आई मीन इफ़ यू जस्ट कंपेयर इट विद द साइज़ वन ये देखो आपको कितना वास्ट डिफरेंस दिखाई देगा दोनों फुटबॉल के अंदर तो भाई साइज़ थ्री फुटबॉल्स इसलिए यूज़ होती है ताकि जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा फेमिलियर हो जाए कि भाई किस तरह से फुटबॉल को यूज़ करते हैं किस तरह से जो राउंड ऑब्जेक्ट है ना उसे कैसे किक करना होता है कैसे रोकते हैं एंड इट्स ऑल्सो ईजियर टू कंट्रोल एज वेल स्पीड वाइज भी ज़्यादा कंट्रोल मिलता है बिकॉज देर इज़ लेस फुटबॉल इन्वॉल्व देर इज़ लेस ऑब्वियसली नाउ साइज फॉर फुटबॉल का जो ब्रैकेट है ना वो आ जाता है कुछ 10 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक के बीच में ये मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ ठीक है जो कि एप टैप्ट इंफॉर्मेशन है साइज़ फॉर फुटबॉल जो है ना वो दस से चौदह साल के बच्चे यूज़ करते हैं ठीक है थीके? अब ये इसलिए क्योंकि ताकत आ जाती है भाई पैरों में जान आ जाती है नो हाउ टू टेक द शॉट दे नो अ लॉर्ड ऑफ फुटबॉल दे आर इंटू फुटबॉल सो ये उस हिसाब से ही होती है यू हैव मोर ऑफ द फुटबॉल मोर ऑफ द सर्कम्फ्रेंस सी द साइज ऑफ द साइज फॉर फुटबॉल सी ये देखो यू हैव मोर ऑफ द दें ज़्यादा फुटबॉल है बेटर कंट्रोल बेटर स्पीड बेटर शॉट्स बेटर मूवमेंट एवरीथिंग बेटर विद द साइज़ फोर फुटबॉल ठीक है भाई बस ये है कि आपको जो मूवमेंट हो जाती है वो और बेटर हो जाती है विद द एज डैट योर ग्रोइंग अप अगर आप देखो जरा पास से तो देखो ये रही साइज़ थ्री ये रही साइज़ फ़ोर और ये रही साइज़ वन ठीक है तो ये हो गए हमारे टेक्निकलिटीज़ ये तो जो मैंने आपको बोला ना ये सब किताबी बातें हैं अब मैं आपको दुनियादारी वाली बातें बताता हूँ मैं आपको एक्चुअल ट्रुथ बताता हूँ ठीक है साइज फाइव फुटबॉल ये हमारा अल्टीमेटम है इस पर ही हमें जाना है ठीक है आई विल ऑलवेज़ टेल यू एंड दिस इज़ वॉट एवरीबडी विल टेल यू मेक स्पोर्ट्स वीडियोज और हुवर यू टॉक टू अबाउट फुटबॉल प्लीज़ गेट टू द साइज फाइव फुटबॉल एज़ फास्ट एज यू कैन प्लीज़ जब आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो साइज फाइव फुटबॉल पर आप जितना जल्दी जा सकते हो आप उतना जल्दी जाओ अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ मैं आपको इसका रीज़न भी देता हूँ साइज़ वन फुटबॉल आपके कोई काम का नहीं है पीपल यूज़ इट एज अ मेमेंटो पीपल यूज इट एज अ रिवॉर्ड टॉडलर्स को दे दो आप अंडरस्टूड है ठीक है साइज वन फुटबॉल एक नंबर साइज़ थ्री फुटबॉल मेक्स सेंस ठीक है क्या है छः साल के बच्चे जो होते हैं नौ साल के बच्चे जो होते हैं आप उनको दे दो फुटबॉल खेलने के लिए सो दैट दे गेट यूज़ टू द राउंड ऑब्जेक्ट कि उसका मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है फुटबॉल को कितना धक्का मारना है कितनी तेज़ मारना है कितने ज़ोर से शूट मारना है कैसे ड्रिबल करना है अगर हमें इस बॉल को रोकना है तो कितनी स्पीड से हमें रोकना है कैसे पैर रखना है ये सारी चीज़ें आपको साइज़ थ्री फुटबॉल में पता चल जाती है लेकिन साइज़ फ़ोर फुटबॉल जो है ना इसे उठा के फेंक दो इसका कोई काम नहीं इसका लिटरली कोई काम नहीं ये तो scam है ये तो स्कैम है ये फुटबॉल जेनुनली एंड मैं अगर आपको एक बात बोलूँ तो इवन ये जो साइज वन फुटबॉल है ना इसे भी उठा के फेंक दो इसका भी कोई काम नहीं है हमारा जो काम है ना जो हाउ डू यू एक्चुअली नो द राइट साइज ऑफ फुटबॉल वो साइज थ्री और साइज फाइव में ही लाई करता है साइज थ्री इज योर फॉर्मेटिव फुटबॉल ठीक है भाई ऐसा होता है कि जब हम भी 11 साल के थे ना जब मैं भी फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में था मैं साइज़ फाइव फुटबॉल से ही खेलता था सब लोग साइज़ फाइव फुटबॉल से ही खेलते थे मेरे फ्रेंड्स मेरी टीम सब साइज़ फाइव फुटबॉल से खेलते थे हमने कभी ये साइज थ्री वाली बकचूदी नहीं की कभी भी नहीं की हमने आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड बट हमने कभी भी ये सब नहीं किया था ये सब नई चीज़ें हो गई ये सारे कमर्शियली चीज़ें होने लग गए अभी सो दैट ब्रांड को भी ज़्यादा फुटबॉल्स बेच सके ज़्यादा पैसे अर्न कर सके तो इसलिए बट यस साइज थ्री फुटबॉल मेक सेंस फॉर्मेटिव यर्स ठीक है बट देन आई वुल ऑलवेज सजेस्ट यू जैसे ही आप फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड क्रॉस करते हो गेट टू द साइज फाई फुट बॉ गट टू द साइज फाई फुटबॉ बिकॉज इसी के साथ आपको खेलना है इसी के साथ आप अपना करियर अगर कोई बनाना चाहते हैं आप शौक के लिए भी कर रहे हैं साइज फाई फुटबॉल साइज फाई फुटबॉल साइज़ फाइव फुटबॉल बटर कंट्रोल बेटर स्पीड बेटर एवरीथिंग बेटर क्वालिटी साइज थ्री में भी साइज फो आपको कहीं ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपको साइज फाइव में मिलेगी इसके अंदर आप अगर एक्चुअल फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल यूज़ करो जो कि अठारह अठारह हज़ार बारह बारह हज़ार की फुटबॉल आती है तो क्वालिटी इज़ अमेजिंग लोग चार चार साल पाँच पाँच साल वो 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 फुट बॉल यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग होती है ना आपको साइज़ वन में मिलेगी ना साइज़ टू साइज थ्री साइज फो मनी इट्स ओनली इन द साइज फाइव फुटबॉल सो remember हाउ do नो द करेक्ट साइज़ ऑफ फुटबॉल साइज थ्री फॉर्मेटिव formative साइज size इज द एक्चुअल actual where यू हैव टू गो दस साल ग्यारह साल की उम्र तक आप साइज़ थ्री फुटबॉल से खेलो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन जैसे आप 10 क्रॉस करते हो यू कैन स्विच टू द साइज फाइव फुटबॉल एंड दैट इज़ वेर योर गेम विल एक्चुअली टर्न और आप एक्चुअली इंप्रूव करोगे देखो मैंने तो सच बोल दिया जेनवनली मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ वॉट आई फील साइज़ वन फुटबॉल मेमेंटो की तरह ही लोग यूज़ करते हैं टोडलर्स को दे दो ठीक है चल जाएगा काम साइज थ्री फुटबॉल फुल जस्टिफाइड साइज़ फोर फुटबॉल का पॉइंट मुझे समझ नहीं आता ये तो मेरे को बेसिकली एक कमर्शियल गेमिक लगता है बाय एनी फुटबॉल ब्रांड दैट सेल्स साइज फोर ठीक है ये मेरे को एक लगता है नॉट आई एम नॉट अगेंस्ट इट या कुछ बट इसकी ज़रूरत नहीं है ठीक है एक्चुअल फुटबॉल अगर किसी को परस्यू करना है या किसी को खेलना है तो उसको इसकी ज़रूरत है नहीं एंड साइज फाई फुटबॉल तो आपको पता ही है भाई साइज साइसफाई फुटबॉल तो भाई फ़ीफा में मतलब है साइज साइज फुटबॉल के साथ ही अपने को काम करना है सो आई थिंक यही सच है फुटबॉल का जस्ट द रीज़न दैट आई एम गिविंग यू ये सब कुछ इज़ बिकॉज देखो कंट्रोल आपको छोटी चीज़ों में ज़्यादा मिल जाता है छोटे फुटबॉल में आपको ज़्यादा मिल जाता है येस बट बेटर कंट्रोल साइज फाइव फुटबॉल में जैसे जैसे साइज बढ़ते हैं बेटर कंट्रोल बेटर स्पीड बेटर क्वालिटी बेटर प्राइसेस बेटर कलर्स बेटर द अपर लेयर द ब्लैडर द फोम पैडिंग द स्टिचिंग द कंस्ट्रक्शन एवरी थिंग इज़ बेटर इन द साइज़ फाइव फुटबॉल अगर हम क्वालिटी की तरफ भी चलते तो येस प्राइस में फ़र्क मिल जाता आ जाता है ये वाली फुटबॉल्स आपको सस्ती मिलती है लेकिन ऐसा नहीं है मेमेंटो फुटबॉल्स भी जो आपको जिस तरह से मिलती हैं साइज़ वन वाली वो भी आपको एक्सपेंसिव कहीं ना कहीं मिलती है बट टू एक्चुअली चूज द करेक्ट साइज़ मैं हमेशा आप लोग को बोलूंगा साइज़ फाई एंड साइज़ थ्री हमेशा मैं आप लोगों को यही बोलूँगा साइज थ्री का मैंने आपको बता दिया ये तो देखो साइज़ वन जो है ना तो टॉडलर्स के लिए यार ठीक है अगर कोई पेरेंट्स भी पे वीडियो देखते हो तो प्लीज़ अगर आपका बच्चा आपको कहता है उनके फुटबॉल चाहिए तो आप उन्हें साइज़ वन फुटबॉल दिला दो ना आपको लगेगा ना घर में कुछ टूटेगा और ना किसी का कोई ज़्यादा नुकसान होगा फिर थोड़ा आपका बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप उसे साइज थ्री फुटबॉल दिला दो एंड देन दस ग्यारह साल का हो जाता है मेक हम स्विच टू साइज फाइव फुटबॉल दैट्स इट साइज़ फोर फुटबॉल की आई डोंट थिंक हमें कोई ज़रूरत है सो so, येस yes, मैंने तो आप लोगों को सच बता दिया ये मेरा पूरा सच है इस वीडियो का सच मतलब मैं कोई सच का खुलासा नहीं कर रहा हूँ बट दिस इज़ वॉट आई ट्रूली फील आई फील दिस थ्री फुटबॉल मेक सेंस साइज़ फॉर फुटबॉल डजन मेक सेंस एट ऑल एंड सो डज इन साइज टू फुटबॉल एज वेल सो येस दिस वॉज इट फ्रॉम द वीडियो पीपल आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दिस इज़ हाउ यू चूज़ द करेक्ट साइज़ ऑफ द फुटबॉल नो योर नीड्स नो योर एज नो हाउ मच पावर यू हैव एंड

रूड नहीं हो रहा था मैं वीडियो में मैं बस अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर कर रहा था जो मुझे एक्चुअली लगता है वो मैंने बता दिया था तो यार इसी बहाने कुछ कमेंट में आ जाए करो विल टॉक इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम वापस एक्टिव होने वाला है एंड इफ आई मिस समथिंग प्लीज लेट मी नो आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर विथ एवरी वीडियो एज आई शूट लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ याद दिला रहा हूँ कर दिया करो एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम